आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि एक मेजरमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, 2019 में आया था, उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर दिया हुआ है, जब परसेंटेज एरर दिया हुआ है तो एक्स में कितना परसेंट का एरर आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्स में कितने परसेंट का एरर आएगा तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो इसको ना कर पाए, तो डेल्टा एक्स में परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, इन सभी में परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, ए में परसेंटेज एरर 2 डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, 2 सामने आ जाता है, प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी, प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो हम लोग थ्योरी में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसको आप, तो जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, और जो हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि जो एरर होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, एडिशन एडिशन एडिटिव नेचर का होता है, वो एड होता है यार, तो अब एड होता है तो इसमें सब अब मल्टीप्लाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा, तो अब ये है सबकी वैल्यू डालो यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाइड बाई ये डेल्टा 1 में, और 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ इधर। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज एरर 1 1 1, ठीक है, प्लस 1/2 और इसमें परसेंटेज एरर 2, प्लस 1/3 इसमें परसेंटेज एरर 3, प्लस 3 इसमें परसेंटेज एरर 4 है। ठीक है, तो ये और साथ साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज एरर आ गया, ये 2 ने 2 को, 3 ने 3 को, 4 3 12, 12 4 16 है। ठीक है, एक बार है और 12 4 16, ठीक है, 16% आ गया। तो ये 16% इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये देखो एक आसान क्वेश्चन था यार, ठीक है, इसको जो बोला जाता है वो एक इजी क्वेश्चन है, इसको जो भी बच्चा डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहा है वो इसको कर ही सकता है यार। ठीक है, चलो